नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलय सिंह। राजधानी में सीएनटी लैंड को सीएनटी फ्री लैंड बनाने का खेल धड़ल्ले से जारी है। डीसी से शिकायत करने के बाद भी आदिवासी रैयतों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अब भू माफिया आदिवासी जमीन को अधिकारियों की मिलीभगत से कब्जाने में लगे हुए हैं। सीएनटी को सीएनटी फ्री लैंड बनाने के लिए पंजी 2 को निशाना बनाया जा रहा है। पंजी 2 में छेड़छाड़ कर गैर आदिवासियों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। ताजा मामला रांची जिला के उरमांझी अंचल के कोइलारी मौजा के खाता संख्या 58 के प्लॉट संख्या 423, 424 और 463 का है। भूमि का कुल रकबा 1.79 एकड़ है, जो रिंग रोड के आसपास का इलाका है। ये बिरसा मुंडा की पुश्तैनी और खतियानी जमीन है। इस जमीन पर आदिवासी रैयत वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। वर्तमान समय में भी इन्हीं का कब्जा है और इसका 1957 से लगान रसीद भी 2021 तक आदिवासी रैयत के नाम पर काटी गई है। इस पूरे मामले को लेकर पति मुंडा के वंशज ने अंचल कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय में भी शिकायत की है, लेकिन पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भूमि के मालिक पति मुंडा खतियानधारी के वंशज बिरसा मुंडा बताते हैं कि हर महीने लगभग 4 से 5 बार वे डीसी कार्यालय जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। इस मामले में लगातार ने पड़ताल की और इस मामले के तह तक जाने का फैसला किया। इसी क्रम में अंचल कार्यालय स्थित पंजी 2 को भी देखा गया। यह जमीन बिरसा मुंडा के पूर्वज पति मुंडा के नाम पर पेज संख्या 116 में दर्ज था, जिसे लाल कलम से घेर दिया गया है। इसके बाद गिरेंद्र नाथ राय वल्द नवकिश्तो राय के नाम पर भूमि दर्ज कर दी गई है। आदिवासी रैयत के नाम 2021 तक लगान रसीद भी कटा गया है। वर्तमान समय में भूमि के सभी ऑनलाइन दस्तावेज में गिरेंद्र नाथ राय का नाम दर्ज है। नहीं, हम लोग का जो जमीन है, तो जमीन में बोले तो हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। जो भी है बूंदा बूंदी जब हम लोग जो भी का बोलते हैं, मतलब ऑनलाइन जब से हम लोग चेक किए ना, मतलब आप लोगों की जमीन का जब ऑनलाइन स्टेटस आप लोगों ने चेक किया तो देखे कि हम लोग का जमाबंदी बंद है। जमाबंदी बंद कर दिया, जमाबंदी बंद के हम लोग का ऑनलाइन रसीद कटना सारा चीज बंद हो गया। तो वहाँ पर देखे कोई गैर आदिवासी का चढ़ा हुआ है। किसका चढ़ा हुआ है? हाँ, गिरनाथ राय पिता है वो नकिशोर राय। अभी कौन है हम लोग नहीं मालूम। कब ये ऐसा हुआ? ये 6-7 महीना पहले। इसके बाद आप लोग ने क्या किया? उसके बाद हम लोग आवेदन दिए आंचल में, तो आंचल में देने के बाद कुछ भी काम होने नहीं लगा। 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो गया। उसके बाद कर्मचारी भी चेंज हो गया, अगला कर्मचारी जा रहा है तो भी बोल रहा है कि नहीं। और हम लोग वहाँ पर देखे पंजी 2 में जो मैनुअल भरता है उसमें भी छेड़छाड़ किया है। और उसमें देखा जाए कि वहाँ का हम लोग का जो वंशज का जो नाम है दादा पड़ता का, उसको रेड कर दिया है। रेड करने के बाद फिर वहाँ देख रहे गिरनाथ राय का वहाँ लिख दिया है पूरा। डीसी जन शिकायत में आए तो वहाँ पर फिर बोले मैडम भेजे हैं तो वहाँ तो बोल रहा है कि नहीं आया है। तो वहाँ हम लोग किए, वहाँ बोले ठीक है, अगर वहाँ का जो प्यून होगा आके यहाँ से रिसीव किए होंगे तो उनका तो कुछ होगा ना, रिसीविंग होगा तो दिखाइए मैडम। तो वहाँ रिसीविंग भी नहीं मिला, बोला किधर हो गया। उपायुक्त रांची ने भी अब तक इस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। वहाँ वो बोले कि एलआरडीसी में दिया होगा, एलआरडीसी आपका लेटर पहुँच चुका है, एलआरडीसी में आप जाके वहाँ जाके पता कीजिए। वहाँ फिर वहाँ गए तो सर कहीं 25-26 तारीख को छुट्टी में थे। तो अभी जो है अभी फिर जाके देखते हैं, पता करते हैं। कितना दिन से आप घूम रहे हैं अपनी जमीन को वापस के लिए? 8-7 महीना। क्या अगर दूसरे लोगों का नाम पर ट्रांसफर हुआ है, क्या इस जमीन की खरीद बिक्री भी हुई थी? नहीं, खरीद बिक्री हम ही लोग कब्जे में ही है, खेती बाड़ी करते ही आ रहे हैं। दादा परदादा से आप लोग करते हैं? अभी सरकारी फंडिंग से भी काम हुआ, जो डोभा नरेगा होता है सारा चीज काम हो चुका है। उसमें डोभा मनरेगा काम भी हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों का जमीन आप लोगों के कागजी तौर पे दूसरे के हाथ में चल गया। तो हम ही लोग का हाथ में, आने दिन भविष्य में हमको लगता है कि कहीं दलालों के अतिशय वंशा से या कुछ भी आके लोग हम चढ़ ही सकते हैं।
इस मामले पर जब हमने रांची के डीसी छवि रंजन का पक्ष लेना चाहा तो उनके जवाब में उन्होंने कहा कि हर रोज हजारों आवेदन आते हैं, आप इसकी डिटेल देख लीजिए। लगातार न्यूज की ओर से इसकी डिटेल भेजने के बाद उपायुक्त ने कहा कि इस मामले में आप राजस्व शाखा से जानकारी प्राप्त करें। यानी कि लाल फीताशाही जारी है और आदिवासी अपने जमीन को बचाने के लिए कभी अंचल ऑफिस तो कभी डीसी ऑफिस के चक्कर काटने को मजबूर है। अब देखना यह है कि इन्हें न्याय कब तक मिल पाता है। तो अभी के लिए इतना ही। लाइव लगातार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।